Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies class 11, we will continue the chapter forms of business organization. And in that today, we will discuss the second form of business organization that is joint Hindu family business. In the previous lecture of uh, business studies of this chapter, we have already discussed about the sole proprietorship business.

हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है इसके द्वारा ये गवर्न uh, किया जाता है मतलब इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नियम लागू होते हैं देन द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज गवर्न बाय द बर्थ इन दैट फैमिली तो जन्म से ही जो है जो बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में मेंबर बन जाता है यानी कि मालिक बन जाता है उसको मालिकाना हक हो जाता है बिजनेस में हिस्सा लेने का देन द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड करता तो बिजनेस का जो चलाने के लिए जो सीनियर मोस्ट घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है आ, उसको करता कहा जाता है और वो जो है बिजनेस को चलाता है सारे डिसीजन वही लेता है और सारे लोग उसकी बात को मानते हैं घर के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं जैसा वो कहता है उस हिसाब से बिजनेस के जो है काम किए जाते हैं देन ऑल द मेंबर्स आर को पार्सनर्स एज दे हैव इक्वल राइट ऑफ ऑनरशिप ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो सभी सदस्यों को जो है जन्म से ही प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होता है चाहे वो किसी भी आयु का हो कोई भी एज हो उसकी तो ये नहीं कि बड़ी एज के लोगों को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में कम एज वालों को कम मिलेगा सभी को आयु uh, के मतलब uh, को अनदेखा करके सभी को बराबर जो है संपत्ति में अधिकार होता है तो सभी पार्टनर्स को या सभी मेंबर्स को क्या कहते हैं को पार्सनर्स तो इनको सभी को संपत्ति में बराबर का अधिकार ओके नाउ लेट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या विशेषताएं हैं इसकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तो जैसे सभी बिजनेसेस को चलाने के लिए एक नियम होते हैं तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसके जो नियम है वो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये लागू होते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली किसको कहते हैं आप जैसे कि नाम से ही पता चलता है जॉइंट होता है संयुक्त परिवार हिंदू यानी के हिंदू धर्म से संबंधित फैमिली मतलब परिवार तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और इसको ये इसके लिए शर्त क्या है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली होनी चाहिए यानी कि आपका जो है वो एक परिवार नहीं होना चाहिए संयुक्त परिवार ही होना चाहिए सभी लोग जो है एक साथ मिल करके परिवार के सदस्य रहने चाहिए चाचा चाची दादा दादी ताऊ ताई जो भी बड़े सभी सदस्य होते हैं सभी के परिवार भाई सभी मिल करके एक परिवार के ही सदस्य होते हैं एक ही परिवार में रहते हैं तो कई कई पीढ़ियाँ जो है इसमें एक साथ दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं इसको संयुक्त परिवार कहते हैं तो और क्या विशेषता होती है इसकी कैपिटल यूज इन द बिजनेस इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी और मनी तो जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है या तो आप वो ज्यादातर क्या होता है आपकी पैतृक संपत्ति होती है खानदानी जो आपकी प्रॉपर्टी है पैसा है उसी को इस्तेमाल करके बिजनेस किया जाता है ऑल द मेम्बर्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू सेम फैमिली तो सभी जो मेंबर होते हैं बिजनेस चलाने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य होते हैं देन ऑल द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रिमेन्स इन देंड ऑफ करता एंड ही टेक ऑलिजन तो सारा कंट्रोल जो है जैसे सोल प्राइटरशिप से कुछ कुछ इसकी विशेषताएं मिलती हैं उसमें सभी डिसीजन जो होते हैं जैसे व्यक्ति लेता है ऐसे ही ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस में भी सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर जिसे हम करता कहते हैं वही सारे डिसीजन लेता है एंड जो भी बड़े फैसले हैं प्लानिंग करनी या जो भी करना है बिजनेस रिलेटेड उसको वो अकेला करता है और सभी लोग उसके कहने के अनुसार जो है काम को करते हैं यानी कि बाकी जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को दी जाती है उसके द्वारा उनको उसने पूरा करना होता है चाहे वो सही हो या गलत हो सभी को उसकी बात का आ, को मानना पड़ता है रिमेनिंग फैमिली तो जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है यानी देनदारी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आ, जो आपकी बिजनेस की जो लेन देन होता है लाइबिलिटीज होती हैं देनदारियाँ होती हैं तो उसके लिए पहले बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज की जाती है वापस करने के लिए पैसा उसके बाद भी यदि कोई देना पड़ जाए कमी रह जाए तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है व्यक्ति की वो भी हम बे, बेच करके जो है उसे अपना पैसा चुकाना पड़ेगा इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसको देनी पड़ सकती है लाइबिलिटीज को उतारने के लिए तो ये सिर्फ कर्ता के साथ है बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड होती है और ये लिमिटेड आएगा यहाँ पर तो बाकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अनलिमिटेड नहीं होती सिर्फ जितना हिस्सा वो प्रॉफिट में लेते हैं उतने हिस्से तक ही वो उनकी लाइबिलिटी बनती, बनती है उतना ही पैसा वो लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं बस उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है देयर इज कंटिन्यूटी इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में निरंतरता बनी रहती है एज आफ्टर करतास डेथ नेक्स्ट सीनियर मोस्ट में हिज पोजिशन तो क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है और इसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बनाया जाता है वो सारे बिजनेस को देखता है और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो घर के जो सीनियर मोस्ट दूसरा सदस्य होगा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर उसको जो है कर्ता बना दिया जाता है और इस तरह से ये, तरीक, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है निरंतर और अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो फिर उससे अगले सीनियर मोस्ट मेंबर को कर्ता बना दिया जाएगा तो इस तरह से बिजनेस कभी रुकता नहीं है बंद नहीं होता है वो निरंतर चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू करता है देन माइनर मेंबर्स या पर्सन आर ऑल्सो मेंबर्स इन द फैमिली तो जो छोटे सदस्य होते हैं बाय बर्थ ही आपको पता है इसमें अधिकार मिल जाता है प्रॉपर्टी पे सभी को तो जो बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसको जो छोटे 18 साल से कम आयु के होते हैं उसे माइनर कहा जाता है तो जो माइनर लोग होते हैं माइनर सदस्य होते हैं घर परिवार के उनको भी मेम्बर्स माना जाता है बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार माना जाता है तो ये थी विशेषताएं बिजनेस की इन सभी विशेषताओं के साथ हम पहचान सकते हैं कि ये जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ओके आफ्टर गोइंग थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्सू फैमिली एडवांटेज क्या फायदे होते हैं क्यों हिंदू परिवार के सदस्यों को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से फायदा मिलता है? किस तरह के फायदे होते हैं फर्स्ट एडवांटेजेस ऑल द डिसकन बाय करता सो क्विक डिसीजन आर टेकन जैसे सोल प्राइटरशिप में जो होता है सारे फैसले मालिक लेता है तो यहाँ पर मालिक कौन है एक ही व्यक्ति है सीनियर मोस्ट मेंता तो सारे फैसले वो लेता है इसलिए फैसले जल्दी होते हैं उसे किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वो जो भी फैसला लेगा परिवार के सभी सदस्यों को वो मान्य होगा तो इसलिए डिसीजन जल्दी हो जाते हैं देन इज कंटिन्यूटी इन द बिजनेस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि कर्ता की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या बना दिया जाता है कर्ता बना दिया जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाएगी फिर उससे नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर को बना देंगे इस तरह से बिजनेस जो है किसी की डेथ से या किसी पार्टनर किसी मेंबर के आने चले जाने से वो बंद नहीं होता है वो निरंतर चलता रहता है देन देर इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट करता हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो करता है उसे छोड़कर जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बाकी सदस्यों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है यानी कि उनको सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितना वो उतना ही परसेंट जितना परसेंट वो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं यानी कि बाकी का जो नुकसान है वो करता उठाएगा लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं उनको फायदा ये मिलेगा कि उनको सिर्फ उतना ही पैसा देना है क्योंकि so सभी परिवार के सदस्य हैं सारे मिलकर के अपने परिवार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए मन, मन से और ईमानदारी से वफादारी से सहयोग करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस अच्छा चले और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़े और हर व्यक्ति को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिल सके तो इसलिए सभी अपने घर के सदस्य ही होते हैं तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं उसके अंदर एक बड़े छोटे का एक तरीके से लिहाज होता है एक दूसरे की बात मानते हैं सुनते हैं तो इस तरीके से उनके उनको उनके अंदर कॉपरेशन जो है वो आ, की भावना होती है और किसी तरह का उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आसानी से बिजनेस जो है चलाया जा सकता है क्स्ट एडवांटेज इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस रिमेन्स इन द फैमिली क्योंकि चाहे परिवार पूरे परिवार के अलग अलग सदस्यों को थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन तो वो, जो भी का कमाया जाएगा, वो परिवार के सदस्यों के बीच में रहेगा परिवार के अंदर ही प्रॉफिट रहेगा तो बिजनेस से वो बाहर नहीं जाएगा देन देर इज नो नीड ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द मेम्बर्स ऑफ द बिजनेस क्योंकि सभी लोग परिवार के ही सदस्य है घर के ही लोग हैं चाचा ताऊ भाई और दादा दादी जो भी हैं सदस्य तो उनके बीच में क्योंकि फैमिली रिलेशन ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं तो एग्रीमेंट होने की आवश्यकता नहीं है कोई लिखित में समझौता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है जन्म से ही उनका अपना एक जो बिजनेस है उसके वो उस सदस्य हैं और उनको उसके लिए कोई एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है देन सीक्रेट्स ऑफ देयर फैमिली बिजनेस रिमेन्स विद इन द फैमिली क्योंकि बिजनेस जो भी बिजनेस वो करते हैं पारंपरिक अपना खानदानी बिजनेस जो चला रहे हैं उसके सीक्रेट्स जो होते हैं सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही पता होते हैं और कुछ सीक्रेट सिर्फ कर्ता को ही पता होते हैं तो घर के सीक्रेट जो होते हैं बिजनेस सीक्रेट लीक नहीं हो सकते और वो घर में ही रहते हैं नाउ लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट इन फैमिली बिजनेस इसकी क्या कमियां हैं क्या ड्रॉबैक्स हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे तो ज्वाइंट इन फैमिली बिजनेस हैव लिमिटेड एज दे टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी एंड नॉट एक्सटेंड द बिजनेस टू अ लार्ज स्केल तो क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है बिजनेस में यूज हो रही है या पैसा जो यूज हो रहा है वो अपने परिवार का ही है तो उसके अलावा उनके पास कोई और साधन नहीं होता या छोटा मोटा वो बैंक से लोन ले सकते हैं या कहीं से रिश्तेदार से रिष्टे उधार ले सकते हैं लेकिन उसकी एक सीमा होती है लिमिट होती है उससे ज्यादा जो है वो पैसा इसमें नहीं लगा सकते तो ये एक लिमिटेशन है बिजनेस की कि उसको अगर वो बड़े लेवल पर बढ़ाना चाहें जैसे दूसरे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है अदर फॉर्म्स में वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सारा पैसा तो उनका ऑलरेडी बिजनेस में लगा ही हुआ है और एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास होता नहीं है लगाने के लिए तो ये और मेंबर्स जो होते हैं वो फैमिली के ही होते हैं तो बाहर से कोई पैसा इतना आ नहीं सकता जो कि वो बिजनेस को बड़े लेवल तक बढ़ा सके देन नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है लिमिटेशन है दैट इज करता है स्किल एज वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ बिजनेस ये हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी किया था और जैसे एक व्यक्ति जो है सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है किसी में कोई टैलेंट होता है किसी में कोई टैलेंट होता है हो सकता है उसे प्रोडक्शन करना आता हो मार्केटिंग करना नहीं आता हो या सेल करना नहीं आता हो या अकाउंटिंग वर्क नहीं आता हो सारे काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो मैनेज स्किल इसमें कई बार नहीं होते और एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि घर के सीनियर मोस्ट मेंबर को ही हमें कर्ता बनाना है ऐसा ज़रूरी है ऐसा नियम कहता है अगर मान लीजिए बड़ा जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसके आ, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है या उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि बिज़नेस को संभाल सके या उसका इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम उसे स, जो है सीनियर मोस्ट मेंबर को ही हमें जो है करता बनाना पड़ता है उसी को ज़िम्मेदारी देनी पड़ती है तो अगर वो सही डिसीज़न लेगा तो इससे बिज़नेस को फ़ायदा होगा और अगर वो सही डिसीज़न नहीं ले सकता या सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इससे उनके फैमिली बिज़नेस को नुकसान भी पहुँचता है

तो कर्ता का जो निर्णय होता है वो सर्व मान्य होता है सभी को मानना पड़ता है अगर वो गलत डिसीजन भी लेता है तो पूरे भी परिवार का सदस्य उसके खिलाफ नहीं जा सकता है उनको उसकी बात माननी ही पड़ती है देन म्यूचुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन द फैमिली द अदर्स तो जो आपसी झगड़े होते हैं अक्सर इस तरह के बिजनेसिस में देखे जाते हैं फैमिली बिजनेसिस में क्योंकि परिवार के सभी सदस्य होते हैं अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति को बिज़नेस में जो है लग रखते हैं तो यदि हमारी इससे नहीं बनती है तो उसे जॉब से निकाला जा सकता है या अलग हो सकते हैं हम उससे लेकिन सभी तो परिवार के सदस्य ही हैं किसी को हम निकाल नहीं सकते बिजनेस में सबका बराबर का अधिकार है तो कई बार आपसी झगड़े या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के काम को लेकर के या राइट्स को लेकर के अधिकारों को लेकर के आपस में पेजतान इनमें हो जाती है तो इस तरह के तमाम जो लिमिटेशंस हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के होते हैं लेकिन ये एक स्वरूप है और इस फॉर्म में भी बिजनेस को चलाया जाता है जो हिंदू हैं अनडिवाइडेड फैमिली में या संयुक्त परिवारों में रहते हैं वो इस तरह के अपने जो पारंपरिक व्यवसाय हैं बिजनेस हैं उनको चला सकते हैं हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट के अंतर्गत तो आज के लिए इतना ही है और आशा है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू